महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का, जो जिसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और इतनी मुशक्क़त और इतनी कोशिश के बाद ये फ़ैसला हुआ और उन्होंने जो डिसीजन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और अल्लाह चाहे तो मैं इसमें पूरी अपनी जी जान लगा के मेहनत करके जो भी काम है, जो इसके मसले मसलात है, पूरा हल करने की कोशिश करूँगा। बीच में जब मास्टर प्लान का जो मसला आया था, कॉरपोरेशन डिमोलिशन का जो हुआ था, उसके अंदर भी मैं स्टे के लिए बहुत लड़ा, हाई कोर्ट तक लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी जीते और हाई कोर्ट में वो पहली मस्जिद जो मिली थी जिसको स्टे मिल गया था तो वो डिमोलिश होने से बच गई। फिर उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिशें की, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह अभी पूरी कोशिश करूँगा जी जान लगा के। इंशाल्लाह आप लोग की सबकी दुआ है और ये जो मिला मौका उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबसे पहले महल्ले वालों का, आजू बाजू सब लोगों का और मस्जिद में आने जाने वाले सबका और मुस्लिम लोग का सबका और नमाजी जो मस्जिद में आते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो ये इतना अच्छा मौका मुझे मिला। मैं उसके लिए बहुत बहुत वक्फ बोर्ड का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इतना अच्छा डिसीजन सोच समझ के लिए और मुझे ये मौका दिए। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी कामयाबी इसमें हासिल करके बताऊँगा और अच्छे से इसका सब जो भी करना है सब अच्छे से करूँ। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम अब्रार अहमद असरार अहमद। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग हुई जिसमें मुतवल्लियों का इंतखाब किया गया। हमारे अजीज़ दोस्त जनाब अब्रार अहमद असरार अहमद साहब मस्जिद अफलातून फाजिलपुरा के मुतवल्ली बनाए गए। ये तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद है और ये लोग, इन्हीं के ख़ानदान के लोग जो है मुतवल्ली थे। बीच में कुछ वजूहात से ये मुतवल्लीशिप इनके पास से चले गई थी, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के उन मेम्बरान को जिन लोगों ने वापस उन्हीं लोगों को मुतवल्लीशिप दी जो इसके हकदार थे। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में ये मुतवल्लीशिप अब्रार अहमद को मिली है। मैं बहैसियत सदर खाजी इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और फाजिलपुरे के मस्जिद अफलातून के मुसल्लियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपको एक अच्छा मुतवल्ली मिला है जो समाज में सियासी रसूख रखता है और कानूनी दाव पेश से वाकिफ़ है। मसाजिद के जो भी मसले मसाइल है वो बखूबी निभाएंगे, मेरी दुआ भी है और इनके साथ मैंने ख्वाहिशात भी है। आज बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारे अज़ीज़ दोस्त, हम सभी के अर्दिल अज़ीज़, जिनको आज वक्फ बोर्ड की जानिब से मुतवल्लीशिप मिली है। अब्रार को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, बहुत बेलौस इंसान और बेलौस शख्सियत के मालिक है। इन्होंने कई जो है सोशल एक्टिव रहकर बहुत सारों की मदद की और मैं समझता हूँ मुसल्लियान को बहुत एक अच्छा नुमाइंदा मिला जो इनकी हर तरफ से और हर तरह से इनकी जो भी मुश्किलात आएगी या जो भी डेवलपमेंट आएगा, जो कौम को जो है आगे डेवलपमेंट होगा, इनके लीडरशिप में मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह किया जाएगा। तो मैं बहुत पुरखलूस मुबारकबाद देता हूँ और इस जगह को मुबारक समझता हूँ। यहाँ पर सदर खाजी के ऑफिस में ये गुलपोशी मुनक्कद की गई है और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात मैं अब्रार को देने की देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पहली बात तो मैं जनाब अब्रार को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनको मुतवल्लीशिप मिली है और ये ख़ानदानी चीज़ जो सिलसिलेवार चली आ रही है, वक्फ बोर्ड का बड़ा अच्छा डिसीजन रहा कि उन्होंने जो चीज़ ख़ानदानी थी उनको दिए। और अब्रार को मैं एक ज़माने से जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मस्जिद की जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें अब्रार अच्छा काम करेंगे और साथ में जितने भी मुसल्ली है, जितने भी नमाजी है, उनका ख्याल रखते हुए मस्जिद की जो भी डेवलपमेंट है उसमें अब्रार ज़रूर अपना काम बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। जनाब अतीक साहब को माइक देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शेख अतीक
बॉम्बे मर्केंटाइल सिडको ब्रांच के ब्रांच मैनेजर है और अबरार के बचपन के दोस्त है, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अबरार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने इतना करम किया, और वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने अबरार को मुतवल्लीशिप दी, जो इसके हकदार भी थे अबरार। और मैं अबरार को बचपन से जानता हूँ, मेरे क्लासमेट हैं अबरार, और सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं, और महल्लों के जो भी मसले मसाइल हैं, मस्जिद के अफलातुन मस्जिद के जो मसले मसाइल हैं, वो पेश पेश रहकर उसको पूरा करते हैं। और मैं क्या, हम सब दोस्त मिलकर अबरार के साथ हैं और इंशाल्लाह इनकी हर तरह से मदद करेंगे और मस्जिद का देख दिखाने में उनके हर हाल में मदद करेंगे। और मेरी ये दुआ है और पूरे महल्ले वालों से भी गुजारिश है कि भाई इनकी मदद करिए, हेल्प करिए और मस्जिद को काम के लिए इनका सपोर्ट करिए। जज़ाकल्लाह। Allah